हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यामाहा की ऑल न्यू एफजेड एस V3 जो कि डिलक्स एडिशन में इसको लॉन्च किया गया है। इसमें आपको दो मॉडल आज किस वीडियो में देखने को मिलेगा। एक आप पीछे की साइड में देख सकते हैं, ये मॉडल है, और एक आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये मॉडल है। बट उससे पहले मैं बता दूँ, अभी मैं जिस शोरूम में आया हुआ था, मेरा एक ड्रीम था कि MRD सर से मिले, MRD ब्लॉग जो है, तो आज यहाँ पे उनसे मिल लिया भाई। काफ़ी अच्छा मुझे फील हो रहा है। बाकी उनसे ही मोटिवेशन मुझे मिला था, क्योंकि वो जो है सबसे पहले अपना चैनल पे बाइक की अपडेट और बाइक की वीडियो, वर्कराउंड रिव्यू वगैरह सारा कुछ वो अपने चैनल पे सबसे पहले डालते हैं। तो आज उनसे मिला, काफ़ी अच्छा मुझे अंदर से खुशी हो रहा। तो अब चलते हैं बाइक के डिटेल्स की तरफ। तो भाई उनके सामने तो कुछ नहीं हूँ, बट फिर भी कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत अपनी तरह से वीडियो वगैरह बनाने की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एफजेड एस में आपको जो डिलक्स एडिशन है, इसमें दो कलर देखने को मिलता है। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल्स में वर्कराउंड रिव्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस कलर का डिटेल्स वर्कराउंड रिव्यू आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसको चारों साइड से एक बार देखें लुक, तो किस तरह का इसका लुक निकल के सामने आ रहा है, तो आप एक बार देख सकते हैं। बाकी हम अगर इस साइड चलें तो इस साइड से भी आप देख सकते हैं कि इस बाइक का लुक कैसा निकल के आ जाता है। तो बाकी चेंजिंग के बारे में बात करें तो हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, तो बड़ा चेंज आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एलॉय व्हील में गोल्डन कलर का आपको एलॉय व्हील देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ABS का स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको यामाहा लिखा हुआ स्टिकरिंग में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे फ्रंट में आपको यही चेंज देखने को मिलता है एलॉय व्हील में, जो कि इसको लुक में थोड़ा सा इसको प्रीमियम लुक ये प्रदान कर देता है। साथ में अगर यहाँ पे बात करें टायर साइजेस की, तो 100/80/17 सेक्शन के आपको C8 जूम प्लस का टायर देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको जो एडजस्टेबल ये टेलीस्कोपिक फोर सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। अगर इस साइड में चलें तो यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका लुक निकल के आता है। यहाँ पे जो फ्रंट का फेंडर है ये प्लास्टिक में देखने को मिल जाता है, जो कि मेट कलर में इसको पूरा फिनिशिंग दिया गया है। तो ये कुछ आपको फ्रंट में चेंज देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे जो है बिल्कुल पहले की तरह ही आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको LED में लाइटें वगैरह देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको बल्ब हैलोजन इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। तो एक बार हम सबसे पहले इसके की को ऑन कर लेते हैं। उससे पहले आप इसका की भी एक बार देख लीजिए, इस तरीके से इसका की कुछ नज़र आता है। तो हम यहाँ पर चाबी ऑन करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका LED ये पायलट में आपको हेलोजिन लाइट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है। ये हाई बीम में है, और यहाँ से अगर हम इसको करते हैं तो ये लो बीम में इसका लाइट वगैरह आ जाता है। यहाँ पे आपको यामाहा का स्टिकर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे इंडिकेटर को भी हम एक बार ऑन करके दिखाते हैं। तो ये कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। और कंसोल की तरह चलें तो कंसोल में इस तरीके से होगा, और की को अगर हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपको नज़र आता है। बाकी इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, जो कि पहले की तरह है। इसमें आपको न्यूट्रल यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको यामाहा का स्टिकर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ABS का लाइट आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पर किलोमीटर RPM वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो में आपको साउंड भी सुनाएंगे, बट उससे पहले और भी इसके कुछ डिटेल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इस साइड से तो कंप्लीट हो गया हमारा। अगर हम चले आप पेट्रोल टैंक की तरफ, तो 13 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। एफजेड एस आपको 3D में लिखा हुआ देखने को मिलता है, जो कि गोल्डन कलर में दिया गया है। यहाँ पर आपको V3 इसको स्टिकर में आपको देखने को मिलता है, जो गोल्डन और रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ग्लोसी ब्लैक इसमें कलर आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको पेट्रोल टैंक पे यामाहा का स्टिकर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ये पेट्रोल के लिए हो जाता है, और यहाँ पर आपको की देखने को मिल जाता है। और उस साइड चलें तो दोनों साइड में आपको क्या देखने को मिलता है, तो दोनों साइड में आपको यामाहा का एफजेड एस 3D में गोल्डन में लिखा हुआ देखने को मिलता है, और V3 जो है स्टिकर में देखने को मिलता है, और ये आपको क्रोम फिनिशिंग में इसको दिया गया है। यहाँ पे भी आपको यामाहा का स्टिकर देखने को मिल जाता है इस साइड से। और इधर चले अगर तो राइट हैंडल बार की तरफ अगर चले तो आपको इंजन क्यूल स्विच और हॉर्न देखने को मिल जाते हैं, और इस साइड चले तो यहाँ पे आपको पास स्विच और हाई बीम लो बीम इंडिकेटर और हॉर्न देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे तो हो गया इस साइड, और यहाँ पे बड़ा चेंज आपको सीट में देखने को मिलेगा, जो कि पहले से काफ़ी अच्छा इसका सीट का क्वालिटी दिया गया है, और डुअल टोन में आपको कलर देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक और यहाँ पे मैरून कलर का आपको सीट इसमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ब्रॉड इसमें दिया गया है।
बाकी ग्रेवलेट आपको सिंगल पीस में देखने को मिलता है पूरा राउंड शेप में, और काफ़ी इसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, और ब्लैक कलर में ये देखने को मिलता है। और यहाँ से चले अगर इंजन की तरफ, तो यहाँ पे इंजन में जो है पावर आपको बिल्कुल पहले की तरह सेम देखने को मिलता है। इंजन आपको पहले की तरह सेम पावर प्रोवाइड करती है, जो 12.4 पीएस का पावर आपको देखने को मिल जाता है, और 13.3 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है, और यहाँ को यमहा लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। और इस साइड चले तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक का इंजन कॉइल देखने को मिल जाता है, तो इस तरीके से है। और यहाँ पे मैं बताना भूल गया था कि दोनों साइड में आपको एबीएस और यमहा का स्टिकर देखने को मिलता है। चले तो यहाँ पे एग्जॉस्ट देख सकते हैं, डुअल टोन में दिया गया, ये भी आपको प्लास्टिक में देखने को मिलता है, और ये भी आपको प्लास्टिक फाइबर टाइप में ही देखने को मिलता है। तो ये एग्जॉस्ट हो जाता है, ये पिलियन का फुट पैक्स हो गए, और ये राइडर का फुट पैक्स हो गया, ये ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल प्लेन रखा गया, यहाँ पे कोई भी ब्रांडिंग ये कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आप की लगा किसके सीट को खोल सकते हैं, सिंगल पीस में आपको सीट देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरीके से कुछ इस पर भी लिखा हुआ नहीं है, जो भी लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है जो वो सिर्फ पेट्रोल टैंक पर ही लिखा हुआ देखने को मिलता है। और बड़ा चेंज यहाँ पे आपको एलईडी में देखने को मिलेगा, जो कि टेल लाइट जो कि ये पहले हेलोजिन में आता था, अब आपको एलईडी में देखने को मिलता है, जो कि MT15 का जैसा ही इसमें एलईडी का टेल लाइट दे दिया गया है। यहाँ पे आपको हेलोजिन में इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, और यहाँ इस साइड भी आपको येलो कलर का हेलोजिन इंडिकेटर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। ये नंबर प्लेट के लिए जगह है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर, और ये नंबर प्लेट का लाइट का हो जाता है। तो अभी हम इसके लाइटिंग को चेक करते हैं, तो एक बार हम इसको ऑन कर लेते हैं, ये ऑन हो गया, और आप इसके लाइट को हम चेक कीजिए, तो ये आपको एलईडी में लाइट वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत अब पहले से लग रहा है। तो ये कुछ लाइट वगैरह, यहाँ पर आपको नंबर का लाइट वगैरह देखने को मिल जाता है, तो ये कुछ है। और बैक साइड में अगर हम चले तो यहाँ पे आपको जो मडगार्ड हेरियर का वो देखने को मिल जाता है, जो कि बारिश वगैरह में जो होता है वो काफ़ी अच्छा इसमें हो जाता है सेफ्टी के लिए, जिससे वो छींटे वगैरह इस साइड या फिर पिलियन जो भी पीछे हैं उनको ना लगे, तो ये बारिश के टाइम में काफ़ी अच्छा मदद प्रोवाइड कर देता है। और यहाँ पर अब चले चेंज, तो यहाँ पर आपको रियर साइड में भी गोल्डन कलर का रिम देखने को मिल जाता है, जो कि अलॉय व्हील में है। यहाँ पर टायर साइजेज आपको 140/60 और 17 सेक्शन का 140/60 17 सेक्शन के आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं, और किस ब्रांड के उसको भी हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। सीएट का आपको जूम टायर देखने को मिल जाता है रियर में भी, और इस साइड में आपको चेन वगैरह देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको पिलियन का फुट पैक्स देखने को मिल जाएगा, ये राइडर का फुट पैक्स हो गया। तो इस तरीके से बाकी इसका लुक है, और यहाँ पर आपको जो साइड स्टैंड और सेंसर होता है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसर का वायर गया हुआ है। तो क्या कुछ है, यही कुछ था। और अगर इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 1,40,000 ऑन रोड इसका प्राइस होने वाला है, और सिटी वाइज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है RTO का चक्कर वगैरह चलते। तो यहाँ पर अभी ये ऑन रोड लगभग 1,40,000 के आसपास जाने वाली है। और अभी हम इसके साउंड को सुनते हैं, तो हम एक बार चाबी को करते हैं ऑन, इंजन क्यूल स्विच ऑन, और यहाँ पे सेल्फ ऑन, तो यहाँ पे आप साउंड सुनिए। तो आपने एग्जॉस्ट का नोट सुन लिया, आप मुझे बताएं कि आपको ये बाइक कैसी लगी, इसका लुक कैसा लगा, और क्या कुछ चेंज होना चाहिए था, या इतना चेंज अभी के लिए फ़िलहाल काफ़ी है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि यामा एक जानी मानी कंपनी है जो 150 सीसी की सेगमेंट में काफ़ी अच्छा लुक वाले बाइक प्रोवाइड करते हैं।